हाय दोस्तों, मेरा नाम वत्सल है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर। वो है स्पोकन इंग्लिश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शुभम। शुभम इज माय को-फाउंडर एट ब्लैकबोर्ड रेडियो। इनका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में दे देता हूँ। ये मेरे साथ IIT दिल्ली में पढ़ते थे। इनकी JEE रैंक थी 337। ये खुद हिंदी मीडियम तक पढ़े हैं 10वीं के अंदर। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में IIT का एग्जाम लिखा और फिर इंग्लिश में ही आगे IIT के अंदर पढ़ाई करी और अभी इंग्लिश के ऊपर ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। वेलकम शुभम। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए आपसे सबसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपकी खुद की इंग्लिश कैसी है? आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है? ये सवाल ही गलत है एक्चुअली बहुत सर। साइलेंट इंग्लिश आती है बट इंग्लिश नहीं आती। इसका क्या मतलब है? सो साइलेंट इंग्लिश का मतलब ये है कि मुझे इंग्लिश लिखनी बहुत अच्छे से आती है, मुझे पढ़नी बहुत अच्छे से आती है एंड मैं इंग्लिश मूवीज देख सकता हूँ, बट अगर मुझे बोलने के लिए बोलेंगे तो मेरी इंग्लिश बोलने में उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट बोलने के लिए आजकल मैंने प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी की है, बट बोलने के लिए अभी भी हिचकिचाहट है एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे साइलेंट इंग्लिश आती है, राइट? कि मैं बोल नहीं पाता हूँ बट लिखना पढ़ना और मुझे सुनना बहुत अच्छे से आता है। एंड यही आई विल से काफी बच्चों के साथ एंड काफी लोगों के साथ इंडिया में इश्यू भी है कि दे डू नॉट, उनकी इंग्लिश लिखनी पढ़नी सुननी बहुत अच्छे से आती है बट बोलनी नहीं आती, तो ऐसे उनको वो भी साइलेंट इंग्लिश की प्रॉब्लम से ग्रसित है। नहीं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपको, जैसे हम इंग्लिश जब पढ़ते हैं या इंग्लिश की हम कोई क्लास में जाएंगे या इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ेंगे तो आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप इंग्लिश मूवी भी देख पा रहे हैं तो आप मतलब समझ भी पा रहे हैं जो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं उनको भी, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप ये सब चीजें कर पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे? क्योंकि ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, टेक्निकल नॉलेजेस। मैं जब 11th इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, आपने सही बोला, ग्रामर सिखाई जाती है, वोकैबुलरी सिखाई जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, बट आप खुद याद कीजिए, आई एम श्योर आप कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, आप कितना टाइम स्कूल में इंग्लिश बोलेंगे प्रैक्टिस कर पाते थे? मेरे घर पर पंजाबी बोली जाती है, राइट? तो घर पर मैंने आज तक कभी भी स्कूल से आने के बाद एक सेंटेंस भी इंग्लिश का नहीं बोला। इनफैक्ट घर पर ऑफिस में परमिशन भी नहीं मांगता ना अपने पेरेंट्स से, मे आई गो टू वॉशरूम। एंड स्कूल में भी हमारी इंग्लिश लिमिटेड थी कुछ सेंटेंसेस को लेकर, राइट? क्योंकि एक क्लास में 30 बच्चे, सब फ्रैंकली इतना टाइम नहीं था। एग्जाम में भी आप याद कीजिए, CBSE के एग्जाम में आज तक इंग्लिश के एग्जाम में आपको लिखने का सिखाया जाता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल टेस्ट की जाती है, अभी ग्रामर स्किल टेस्ट की जाती है। आप मुझे एक एग्जाम बताइए जहाँ पे आपकी बोलने की इंग्लिश की स्किल टेस्ट भी की जाती हो। सो टेक्निकल नॉलेज में कहीं गैप नहीं है, आपने सही बोला, क्योंकि ये सब चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं। बोलने के ऊपर भी स्कूल स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता somehow। मतलब अब अगर मैं अपना स्कूल टाइम भी याद करूँ तो जनरली स्पीकिंग यूज टू बी एन इवेंट, जैसे कि मॉर्निंग मैसेज बोलना है मुझे आज जाके, या मुझे एनुअल फंक्शन में जाके बोलना है, या फिर मैं बाहर गया हूँ किसी रेस्टोरेंट में और वहां पर मुझे वेटर से बात करनी है। और इतने कम इवेंट्स में बोल बोल के आप अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते आप, मतलब हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट? आपको अगर विराट कोहली बनना है तो आपको 15 साल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। सेम इंग्लिश के अंदर आपको एक कंफर्टेबल इंग्लिश बोलनी है तो आपको डेली एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं है, राइट? एंड इसी वजह से आप साइलेंट इंग्लिश की प्रॉब्लम से 90% ऑफ द बच्चा हमारे बेसिकली इंडिया में उससे स्ट्रगल करते हैं। तो शुभम, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं कि ये क्या है और क्यों एग्जिस्ट करती है, बट ये समझना जरूरी है कि जितने भी लोग हमें देख भी रहे हैं, हमारे देश में इंग्लिश जो फंक्शनल इंग्लिश हम जैसे कहते हैं, जैसे हमें अगर कोई जॉब में अप्लाई करना है या हमें कॉलेज में इंटरव्यू में जाना है या कैट में GD देना है, कुछ भी करना है, वहां पे जो सबसे ज्यादा काम आता है वो स्पीकिंग ही काम आता है। बिल्कुल। अगर आप लोगों से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप रियल टाइम में सोच पा रहे हैं, आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, तो अब करें क्या? अब मान लेते हैं कि हमें वोकैबुलरी आती है, हमें शेक्सपियर जितनी नहीं आती पर हमें ठीक ठाक वोकैबुलरी आती है, हम नॉवल पढ़ सकते हैं या हम सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं बोल पा रहे समझ में आ गया, बट अब क्या करें इस चीज के बारे में? सोल्यूशन भी यही है, बिकॉज आपके टेक्निकल नॉलेजेस में इतने ज्यादा गैप्स नहीं है, राइट? बट यू लैक इज प्रैक्टिस। तो आप मेक इट अ हैबिट कि आप 10-15 मिनट्स डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए। एंड विद टेक्नोलॉजी एटलीस्ट अच्छी चीज ये है कि हम मोबाइल रिकॉर्डर यूज करके स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद को सुनिए कि आप कैसा बोल रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी सुधरेगी, उससे आपकी ग्रामर सुधरेगी जब आप बोल रहे हैं, राइट? आप देखेंगे कि आप लिखने में ग्रामर में बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैं लिखने की ग्रामर में बहुत स्ट्रांग था, मैंने इंग्लिश में 90+ स्कोर किया, बट बोलते टाइम सेम ग्रामर मेरी बोलने में नहीं आ पाती, बट जैसे मैं खुद को सुनता हूँ खुद को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि अच्छा ये गलती है, नाउ आई शुड स्पीक अगेन ऑन इट, राइट? सो द आइडिया इज कि 10-15 मिनट्स डेली आप
इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। उससे एक और फायदा है जो मैं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप कहीं भी बोलना चाहते हैं, आप चार लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, आप 10 लोगों के सामने बोलना चाहते हैं, एंड कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आपके इनफ प्रैक्टिस होगी। तो शुभम एक चीज बताइए कि समझ गया प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे क्रिकेटर, अच्छे स्पीकर सब तभी बनेंगे। तो अब अगर मैं जहाँ रहता हूँ, सपोज मैं अगर एक छोटे शहर में रहता हूँ, मेरे आसपास सब हिंदी बोलते हैं, मेरे दोस्तों में इतनी मोटिवेशन नहीं है कि वो मुझसे इंग्लिश बोलना चाहे, तो या दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो अब ऐसे सिचुएशन में प्रैक्टिस करने के कुछ हैक्स बता सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक हैक्स जो हम ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अगर बिल्कुल इन्वायरमेंट नहीं है टियर 3 में और ये गांव के अंदर, तो आपका सबसे बेस्ट दोस्त आपका मोबाइल है, राइट। टेक्नोलॉजी से आप कतरा नहीं, टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट हेल्प दैट यू कैन यूज स्पेशली फॉर प्रैक्टिस। वन ऑफ द बेस्ट हैक इज दैट एक तो आप बोलिए, आपका सबसे ज्यादा लोग इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि वो बेसिकली हेजिटेट बहुत ज्यादा करते हैं, खराब बोल रहा हूँ, खराब बोल रहा हूँ, खराब बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, सब जानते हैं आप खराब बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं आप खराब बोल रहे हैं। आप एक टॉपिक चूज कीजिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, फॉर एग्जाम्पल आप डेली क्या करते हैं, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं आप डेली क्या करते हैं, आपको बस कम्युनिकेट इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, और उस पर मोबाइल लेके बोलने की कोशिश कीजिए। मोबाइल पर रिकॉर्डर ऑन करो और बोलो और बोलो, और ऐसे टॉपिक पे जहां पे आपको नॉलेज की कमी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक, आपको साइंस बहुत पसंद है, तो आप साइंस के बारे में बोलिए, जहां पे आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं सपोज इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके पढ़ना शुरू कर दूं, पढ़ने से फायदा नहीं होगा इतना, क्योंकि आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि रीडिंग आपकी अच्छी है, रीड अलाउड अगर मैं करना चाहूं उससे थोड़ा फायदा होगा, उससे आपकी फ्लुएंसी सुधरेगी, उससे प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगी, आप अटकते हैं कुछ वर्ड्स के ऊपर वो भी सुधरेगा, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। बट ये भी इंश्योर कीजिए कि दिन में आप एक टॉपिक पे बिना देखे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। आप अगर बिना देखे स्टार्ट नहीं करना चाहते, एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज आप लिख लीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, और फिर कॉपी को साइड रख के बोलने की कोशिश कीजिए, राइट। एंड फिर मैच कीजिए कि आप कितना बोल पाए, राइट। एंड दोबारा फिर बोलने की कोशिश कीजिए, तो आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं, बिकॉज आपने पहले से दिमाग में बना लिया है कि आप क्या बोलने वाले हैं, राइट। बट अब आपको बिना देखे बोलना है, राइट। तो जो सिमुलेशन होगा कि सेम सिचुएशन आप किसी और के सामने बोलते हो, तो आप सेम सिचुएशन में होते, आप वो सिमुलेट कर पा रहे हैं, एंड धीरे धीरे आप बेसिकली इतना प्रैक्टिस कर पाएंगे कि आप बिना देखे ऑलमोस्ट सब कुछ बोल पाएंगे। Got it. तो मतलब अगर हम कहीं भी हैं, हमारे सबके पास स्मार्टफोन तो आज है ही, तो हम अपने स्मार्टफोन से कॉपी पेन लेके आज खुद से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि जितना भी ऑडियंस में सुन रही है, क्या आप अपना बेस्ट तभी जिसके आपको लगता है बहुत ज्यादा हिंदी में बोल सकते हैं, आप वो चुनिए, मोबाइल रिकॉर्डर यूज करके उस पर 5 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए और वापिस सुनिए। आई एम श्योर आप 10 से ज्यादा 90% गलतियां खुद पकड़ पाएंगे कि ये तो मैंने वर्ड गलत बोल दिया, ये तो मैंने टेंस गलत बोल दिया, एंड आप जब दोबारा बोलेंगे सेम दिन उसी के सुनने के बाद, आप डिफरेंस देख पाएंगे खुद से बिना किसी की मदद के। समझ गए, ग्रेट। सो थैंक यू शुभम, आई थिंक ये ऑडियंस के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, बिकॉज आई एम श्योर दिस इज वेरी 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 दिस इशू इज वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल जो हमें सुन रहे हैं, एंड होपफुली लोगों को फायदा हो इससे। Hopefully, definitely, because मैं खुद इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हूँ। आई रियली वॉन्ट कि आजकल के बच्चे और वो इस प्रॉब्लम से एटलीस्ट स्ट्रगल ना करें। ऑलराइट, थैंक यू शुभम, थैंक यू।